खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी पश्चिम बंगाल में महिला से हुई हैवानियत की, कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के आए नए फरमान की और दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में ठप हुआ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, इंडिको स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस प्रभावित। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं में एक बड़ी तकनीकी समस्या के कारण व्यापक व्यवधान उत्पन्न हो गया है। मध्य अमेरिकी क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आए इस व्यवधान के कारण कई एयरलाइंस प्रभावित हुई हैं। यही नहीं, कई उड़ानों को रद्द और विलंबित भी करना पड़ा। क्लाउड आउटेज का असर इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी भारतीय एयरलाइन कंपनियों पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके लिए भी परिचालन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। अखिलेश के मानसून ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले मुंगेरी लाल का हसीन सपना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मानसून ऑफर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा, मानसून ऑफर को 2027 में जनता और कार्यकर्ता फिर 47 पर समेटेंगे। वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता है। पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी ने लिया बड़ा एक्शन, धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विवादों में घिरने के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी क्यों ना रद्द की जाए और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें क्यों ना रोका जाए के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कावड़ रूट की हर दुकान पर लगानी होगी नेम प्लेट, कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का फरमान। 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। योगी सरकार ने कावड़ रूट के दुकानों ठेलों वालों के लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानों ठेलों पर अपना नाम लिखें, जिससे कावड़ यात्री जान सके कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। चार दिन की रिकॉर्ड बढ़त के बाद फिसला बाजार, सेंसेक्स 738 अंक टूटा, निफ्टी 24,550 से नीचे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली दिखी। शुक्रवार को सेंसेक्स 738 अंकों की गिरावट के साथ 80,604 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 269 अंक टूटकर 24,530 पर बंद हुआ। तो ये थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज की वायरल वीडियो से रूबरू करा देते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से दिल को दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसे जिस किसी ने भी देखा उसकी रूह कांप गई। दरअसल एक बेरहम माँ अपने 11 साल के बेटे को बड़ी निर्दयता से मारते हुए नजर आ रही है। महिला बच्चे के ऊपर बैठी है और लगातार उसको चाटे मार रही है और कह रही है कि वीडियो बनाओ। इस दौरान बच्चा चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मां ने एक न सुनी और हैवानियत की हदें पार कर दी। महिला ने ऐसा क्यों किया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खौफनाक वीडियो देखिए। बताया जा रहा है झबरेड़ा की रहने वाली महिला का
उसके पति के साथ बीते 10 साल से विवाद चल रहा है। महिला का आरोप है कि उसका पति देवबंद सहारनपुर में कपड़े की दुकान में काम करता है। वह घर का कोई खर्चा नहीं देता और नशा भी करता है। महिला ने सफाई देते हुए कहा कि वह अपना खर्चा किसी दुकान में काम करके चलाती है। उसने अपने पति को डराने और घर की जिम्मेदारियों के प्रति आभास कराने के मकसद से ये वीडियो बनवाया था। वीडियो में उसने दिखावे के लिए बेटे के सीने पर अपना सिर रखा था, लेकिन बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई थी। वहीं वीडियो वायरल होने पर हरिद्वार पुलिस ने चाइल्ड केयर हेल्पलाइन को सूचना दी और महिला को बुलाकर CWC के समक्ष पेश किया। वहीं महिला और उसके बच्चों की काउंसलिंग की गई। फिलहाल खबरें अब तक में, बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। पश्चिम बंगाल में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, खासकर महिलाओं से, जहां की मुखिया खुद एक महिला है। प्रदेश में आए दिन महिलाओं से हैवानियत की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जहां एक बार फिर महिलाओं से बर्बरता और हैवानियत की गई। उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उसके बाल भी काट दिए गए। आगे हम आपको कुछ बताएं, आप भी हैवानियत का ये वीडियो देखिए जिसने देश को शर्मसार कर दिया है। आजकल तो डिजाइन चुल बैरे बोले थे, छोटे बड़े तो कट दे रहे हो तो किस चीज़ आवे ना परंजी परंजी नहीं तूने में साल थमे किया ওই পোটা বস্তা গে দেখিছ নো বস্তা গে উড়ে গেছে ইউজ করা ভালো করে আই তো আমরা কি মেটা দেখি আপ तो वीडियो में देखा आपने कि कैसे वहां के लोगों की भीड़ एक महिला और दो पुरुषों को बंधक बनाकर रखी हुई है, और एक आदमी कैची से पहले महिला के बाल काटता है फिर पुरुष के। हैरानी वाली बात यह है कि वहां मौजूद लोग उन्हें बचाने की जगह उनका वीडियो बनाते नजर आए, उन पर हंसते हुए नजर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि इनके साथ इतनी बर्बरता की जा रही है। तो आपको बता दें कि महिला को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, उसके ऊपर आरोप लगाने के साथ उससे मारपीट हुई थी। महिला की पिटाई के दौरान उसके बाल काट दिए गए थे। ये वीडियो बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी ने जारी किया है। इस वीडियो के जरिए शिवेंदु अधिकारी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। अधिकारी ने लिखा कि कूच बिहार से चोपड़ा तक, अहियादाह से डोमजूर तक पीड़ा जारी है। सजा के तौर पर एक महिला के बाल बेतरतीब ढंग से कैची लगाकर काट दिए गए। इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले क्रूर आरोपी ईशा लश्कर, अब्दुल हुसैन लश्कर, सईम लश्कर, मकबूल अली, इजराइल लश्कर, अरबाज लश्कर और महबुल्ला मिद्दे TMC पार्टी से निकटता से जुड़े हुए हैं। वहीं इस बार पुलिस ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए एक्शन लिया है। महिला के साथ हुई वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच जारी है। भले ही इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में कब तक सड़क पर इंसाफ होगा, बंगाल में कब तक एक बार फिर से तालिबानी सजा का दौर चलता रहेगा। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी अस्थिर है कि राज्य भर में कंगारू अदालतें स्थापित की जा रही है। खासकर महिलाओं के मामले में इस तरीके के बेहूदगी के फैसले ऑन द स्पॉट किए जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से कानून के खिलाफ है। अगर जनता यूं ही सड़कों पर इंसाफ करने लगेगी तो प्रदेश सरकार आखिर करेगी क्या, ये सवाल जरूर उठता है। सुलगते सवालों का आधिकारिक जवाब कब मिलेगा? क्या बंगाल में तालिबानी इंसाफ चल रहा है? बंगाल को कट्टर कौन बना रहा है? बंगाल में गुंडों को किसका संरक्षण है?
टीएमसी के करीबी इसलिए कार्यवाही नहीं होती। ये कई गंभीर सवाल है जिनका जवाब प्रदेश की ममता सरकार को देने की जरूरत है। सीएम ममता बनर्जी को अब चुप्पी तोड़ने की जरूरत है और महिलाओं के लिए खड़े रहने और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने की जरूरत है। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उसकी सरेआम बेरहमी से पिटाई की थी। ऐसे मामले आए दिन वहां सामने आ रहे हैं। कई मामलों में आरोपियों का संबंध सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी टीएमसी से रहा है, जिसके चलते उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। वहीं सरकार भी अजीबोगरीब जवाब देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करती आई है। अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है और ना ही पुलिस को सरकार की तरफ से कुछ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। देखा जाए तो महिलाओं से होने वाली बर्बरता के बाद कार्यवाही करने के साथ पुलिस को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित समझ सकें और कोई भी किसी महिला के ऊपर ना उंगली उठा सके और ना ही उसके सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचा सके। प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर विचार करने की जरूरत है। खैर, चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कावड़ यात्रा को लेकर जो फरमान अपने जिले में पारित किया था उसे अब मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दिया है। जी हां, अब सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के ठेले और दुकान वाले अपने ठेलों और दुकानों पर अपने नाम की नेम प्लेट लगाएंगे, जिससे कावड़ यात्रियों को ये पता रहे कि उन्होंने किसकी दुकान से सामान खरीदा है। जहां एक तरफ पहले एसएसपी के इस फरमान से सियासत होने लगी थी, वहीं ऐसे में अब योगी के आदेश के बाद राजनीति और गर्मा गई है। खुद उनकी ही पार्टी के नेता उनके इस आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कौन है वो नेता जो योगी के फरमान पर सवाल उठा रहा है और कौन योगी का समर्थन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज यानी शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि केवल मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि अब पूरे प्रदेश के कावड़ रूट्स पर स्थित खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर संचालक या मालिक का नाम और पहचान लिखनी होगी। कावड़ यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए ये फैसला किया गया है। सीएम योगी के आदेश के बाद इस मामले के गहराने की आशंका बढ़ गई है। पहले ही विपक्षी दल जिलों में प्रशासनिक आदेशों का विरोध कर रहे थे और अब उनकी ही पार्टी के नेता उनके आदेश पर उंगली उठा रहे हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कावड़ यात्रा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरूपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। लेकिन अब वहीं जब सीएम योगी के पूरे प्रदेश में ये नियम लागू किया तो नकवी बैकफुट पर आ गए और पुलिस आदेश पर हो रही राजनीति पर बयान दिया। नकवी ने कहा कि प्रशासनिक भ्रम को दूर कर दिया गया है और किसी भी तरह का सांप्रदायिक भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है। ये किसी मुल्क, मजहब, मानवता के लिए अच्छा नहीं है। आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में प्रशासन और सरकार के खिलाफ हमला बोला था। एक तरफ कई सियासी दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं तो वहीं इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इस फैसले का समर्थन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि कावड़ यात्रा के मार्ग पर ढाबा संचालकों, फल विक्रेताओं और अन्य स्टॉल मालिकों के लिए सहारनपुर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने कहा कि पुलिस की एडवाइजरी कानून व्यवस्था के लिए है क्योंकि ये एक धार्मिक यात्रा है और पुलिस ने ये व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि इसमें हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो। बता दें कि मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा का करीब 240 किलोमीटर का रूट पड़ता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ पुलिस के निर्देश के बाद दुकानों ने अपने अपने नाम के साथ किस चीज की दुकान है उसका नाम लिखकर पोस्टर लगा लिए हैं। किसी ने अपने ठेले पर आरिफ आम वाला तो किसी ने निसार फल वाला की पर्ची लिखकर टांग ली है।
आपको ये भी बता दें कि दुकानों पर प्रोपराइटर का नाम डिस्प्ले करने के सुझाव बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल ने दिया था। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम रखकर फिर उसमें नॉनवेज बेचते हैं, जिसके बाद आज योगी ने विचार करते हुए ये आदेश पारित कर दिया, जिसे लोग बिना किसी विरोध के मान भी रहे हैं। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। शुक्रवार को एक ऐसा संकट आया कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दुनिया भर के शेयर बाजार से लेकर बैंकों तक में कामकाज ठप हो गया, तो वहीं ट्रेन से लेकर प्लेन तक की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया। ये सब हुआ दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी की वजह से, जिससे दुनिया भर में विंडोज पर काम करने वाले सिस्टम को दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे मानो सभी कंपनियों के हाथ किसी ने काट दिए हों। स्थिति ये थी कि हवाई कंपनियों को हाथ से बोर्डिंग पास बनाने पड़े, तो वहीं लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर एकदम से ब्रेक लग गया। वहीं एविएशन सेक्टर पर इसका बड़ा असर देखने को मिला। भारत में हालांकि स्टॉक एक्सचेंज में रुकावट की खबर नहीं आई, लेकिन यहां कई कंपनियों की हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। बताया जा रहा है अरबपति बिल गेट्स द्वारा को फाउंडेड कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी की शुरुआत बीते गुरुवार को ही हो चुकी थी, और शुक्रवार 19 जुलाई को ये इतनी बढ़ गई कि शेयर बाजार से लेकर बैंकों तक में सारा काम रुक गया। क्राउड स्ट्राइक की सेवाएं बाधित होने के चलते लोगों के कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए या फिर उनकी स्क्रीन पूरी तरह से ब्लू हो गई। सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन में देखने को मिला, जहां का लंदन स्टॉक एक्सचेंज ठप हो गया और शेयरों की ट्रेडिंग पर ब्रेक लग गया, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई। इसके अलावा दुनिया भर के बैंकों और फाइनेंस कंपनियों में लेन देन से लेकर तमाम तरह की ऑनलाइन सर्विसेज रुक गई और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस तकनीकी खराबी की शुरुआत वजह एज्योर बैंकवेट वर्कलोड के कॉन्फ़िगरेशन में हुए एक बदलाव को माना जा रहा है, जिसकी वजह से स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्सेज के बीच बाधा आ रही है और कनेक्टिविटी फेल हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक इस खराबी से माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने वाली क्राउड स्ट्राइक ने इस दिक्कत को माना है, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नज़र आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विवादों में घिरने के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा खेडकर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी क्यों न रद्द की जाए और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें क्यों न रोका जाए के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं बिल्किस बानो मामले में दो दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बृहस्पतिवार को हुए रेल हादसे में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। आपको बता दें, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक ट्रेन के 8 डब्बे मोतीगंज तथा झिलाही रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए थे। इस घटना में 3 यात्रियों की मौत हो गई थी, एक की मौत आज हुई है। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। 2022 में राजस्थान का एक वीडियो तो आपको याद ही होगा, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दरवाजे के सामने सरतन से जुदा करने का एक विवादित नारा अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उस मामले में अब राजस्थान में अजमेर की एक अदालत ने सभी 6 लोगों को बरी कर दिया है। इसके पहले अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने पर हिंदुओं को अपनी हिम्मत दिखाने जैसा बयान देने के मामले में बरी हो चुके हैं। ऐसे ही कई और वाक्य भी हैं जिन पर आई अदालती फैसलों से सवाल उठता है कि क्या ये भड़काऊ बयान अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। जहां तक अजमेर दरगाह के दरवाजे पर लगाए गए विवादास्पद नारों की बात है, तो उसके वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर क्यों और किस आधार पर आरोपियों को बरी कर दिया गया। देखा जाए तो राजस्थान की पिछली अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति के चलते
राज्य में कई बार हालात खराब हुए, लेकिन फिर भी तत्कालीन सरकार अपनी नीति से डिगी नहीं थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरतन से जुदा के खुल्लम खुल्ला नारे लगाने वाले सभी आरोपी इसलिए बरी हो गए क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में मामले की जांच ठीक से नहीं की गई और शायद आरोप पत्र में खामियां रही। इसलिए राजस्थान की वर्तमान सरकार को इस मामले की नए सिरे से जांच करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि किसके आदेश पर जांच प्रभावित की गई और अदालत के समक्ष सभी सबूत नहीं रखे गए जो इन आरोपियों को आजादी मिल गई। बहरहाल केंद्र सरकार को ये भी देखना चाहिए कि अगर ऐसे बयान सामने आते रहे तो इससे सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचेगी, इसलिए भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का समय आ चुका है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। मन खराब हो तो भी गलत शब्द ना बोले, क्योंकि बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं।